हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आमने सामने हुए तो कोरोना वॉरियर्स ने बजाई ताली, मेडिकल टीम और पुलिस ने एक दूसरे का बढ़ाया हौसला, लोगों ने भी किया उनका सम्मान। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य दलों द्वारा लगातार डोर टू डोर पहुंचकर स्क्रीनिंग की जा रही है। कोरोना के संक्रमण को फैलने से पहले ही स्वास्थ्य विभाग उसे नियंत्रण करने में जुटा हुआ है। वहीं पुलिस कर्मी भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये दोनों कोरोना वॉरियर्स लगातार शहर की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। शनिवार को नागौरी गेट क्षेत्र में जब ये दोनों कोरोना वॉरियर्स आमने सामने हुए तो वहाँ उन्होंने ताली बजाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। इस दौरान वहाँ घरों में मौजूद लोगों ने भी बालकनी में आकर उनके सम्मान में तालियां बजाई। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा सघन सर्वे व स्क्रीनिंग अभियान चलाकर मोहल्ले में डोर टू डोर पहुंचकर स्वास्थ्य दलों द्वारा लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें कोरोना वायरस के लक्षण, बचाव व रोकथाम युक्त पैम्पलेट्स का वितरण कर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे कारगर यही होगा कि लोग अपने घरों में ही रहें। शनिवार को मेडिकल टीम जब कर्फ्यू ग्रस्त इलाका नागौरी गेट में पहुंची तो वहां मौजूद पुलिस टीम गश्त कर रही। इस दौरान ये दोनों टीमें आमने सामने हो गई। ऐसे में दोनों टीमों ने तालियां बजाकर एक दूसरे को कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हौसला बढ़ाया। वहीं तालियों की आवाज सुनकर आसपास के घरों में कैद लोग अपनी बालकनी में आए और पूरा मानसा समझकर वे भी उनके सम्मान में ताली बजाने लगे। हर घर घर का सर्वे होने करना है और हर मेंबर को अच्छे से पूरी हिस्ट्री बतानी है कि घर पे कोई बाहर से आया तो नहीं था, और कोई पॉजिटिव है, किसी में खांसी जुकाम बुखार के लक्षण पाए जाते हैं उसको अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, अपने यूपीएससी नागौरी गेट यहाँ पे दिखाना है। घबराने की कोई बात नहीं है, आपका पूरा सहयोग किया जाएगा हमारे द्वारा और पूरा मेडिकल स्टाफ के द्वारा। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।